नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आ रही है कानपुर नवस्था क्षेत्र के गल्ला मंडी स्थित सब्जी मंडी के पास क्षेत्र के दबंग द्वारा जबरन जमीन में कब्जा करने का मामला सामने आया है। वहीं पीड़ित प्रीति वर्मा ने बताया कि 2019 में मेरे एक प्लाट में क्षेत्र के लाखन सिंह, सौरभ सिंह, दिनेश सिंह द्वारा जमीन कब्जा किया गया था, जिसमें तत्कालीन सीओ गोविंद नगर चंकरेश तिवारी द्वारा जांच कर मुकदमा दर्ज कराया गया था और चार्जशीट लगाई गई थी। वहीं पीड़ित ने बताया कि एक बार फिर 30 अप्रैल को मेरी जमीन में कब्जा करने दबंग आए थे, जिसमें मेरी बहन, भाई और माता पिता को मारा था। फिर पुलिस की सूचना दी गई, तब तक भाग गए। पुलिस ने आरोपियों को खुला छोड़ रखा है और कभी भी हमारी जान जा सकती है। वहीं जब पुलिस ने जांच कराई तो एसडीएम और जिलाधिकारी द्वारा साफ निर्देश दिया गया था कि जमीन के स्वामी प्रीति वर्मा। फिर भी पुलिस की सांठगांठ से दबंगों द्वारा जमीन कब्जाने का काम चल रहा है। वहीं पीड़ित ने महामारी वजह से तहरीर न देकर ऑनलाइन आईजीआरएस की थी, लेकिन पुलिस द्वारा आईजीआरएस कोई आंख्या नहीं लगाई, न मुकदमा लिखा गया। ऐसे में पीड़ित डर डर की ठोकर खाने में मजबूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन। पूर्व 2019 में एक प्लाट में कब्जा करने वाले थे लाखा सिंह, दिनेश सिंह और सौरभ सिंह और उनकी फैमिली की महिलाएं थी, कब्जा करने का प्रयास कर रहे थे। तो जिसपे जो है सीओ महोदय द्वारा जांच करके मुकदमा दर्ज कराया गया था और उसमें आरोप पत्र भी दाखिल किया गया है। और उसके बाद इन्हीं लोगों द्वारा 30 अप्रैल 2021 को पुनः मेरे प्लाट में कब्जा करने का प्रयास किया। वहां पर मेरी माता जी थी, मेरा भाई था आनंद वर्मा और मेरी बहन थी। इन लोगों के साथ मारपीट की। वहां से मेरे को जब फोन आया तो मैंने 112 नंबर कॉल किया, पुलिस आई पुलिस को देखते हुए जो पोस्ट भाग गए, जिसको मैंने प्रार्थना पत्र यहाँ पे, क्योंकि कोरोना काल की वजह से मैंने आईजीआरएस में प्रार्थना पत्र दिया था और उस प्रार्थना पत्र पे मुझे बुलाया गया। तो मैंने संबंधित चौकी इंचार्ज मान सिंह जी को मैंने सारे प्रपत्र दे दिए थे। डीएम का ऑर्डर भी था जिसमें डीएम द्वारा एसडीएम साहब से जाँच कराई गई थी, जिसमें वो प्लाट हमारा सिद्ध हुआ था। वो वाले सारे कागज दे दिए, नाका दे दिया था, उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं बोला और जो है हम चले गए। उसके बाद मेरे प्रार्थना पत्र पे कोई कार्रवाई नहीं की। फिर आज क्या हुआ कि अचानक से मेरे प्लाट में मेरे फादर थे, मेरी मदर थी, पुलिस पहुंची नौस्था थाना से और जो है जमीन के कागज मांगने लगी। तो मैंने, मेरे को फोन किया गया तो मैंने बताया कि सारे संबंधित कागज मुझे आपको चौकी इंचार्ज को दे दिए। तो उन्होंने कहा हमको चौकी इंचार्ज ने इस बात की कोई जानकारी नहीं दी है। तो हमने कहा ठीक है, आप लोग वही रुकिए, मैं आ रही हूँ सारे कागज दिखाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर मैंने कहा मेरे प्रार्थना पत्र निकाल के उसकी जांच कराइए और मेरे प्रार्थना पत्र मुकदमा लिखाइए। 30 अप्रैल 2021 के जो उन्होंने बदतमीजी की, वहां मारपीट की और कब्जा करने का पुनः प्रयास किया, उसके मैं मुकदमा लिखाना कि मैं आग्रह कर रही हूँ कि मुकदमा लिखा। अगर मुकदमा नहीं लिखा गया तो यही दिनेश सिंह मनोरिया द्वारा मेरे प्लाट में पुनः कब्जा करने का प्रयास किया जाएगा और उसका जो है बाहर बढ़ाया जाएगा।